वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 12 देख रहे हैं क्लास नाइन्थ की। ये 31 जुलाई की वर्कशीट है। हम इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स की वर्कशीट देखेंगे, मैथ की, साइंस की और हिंदी की। ये जो मैथ की जो वर्कशीट है वो पिछली वर्कशीट से कनेक्टेड है। लास्ट वर्कशीट में हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, जिसके अंदर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में करने की कोशिश की थी, 101 होल स्क्वायर। आज हम देखने वाले 99 का होल स्क्वायर हम किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करा है वो दे रखा है। ये मैं पहले ही एक अलग वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वो देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं, बाकी पढ़ने पर भी ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, आगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। मैं यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आप ये एग्जांपल्स बिना देखें खुद अटेम्प्ट कर सकें। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, लास्ट वर्कशीट में यहाँ पे ए माइनस बी है। ये ए माइनस बी, लास्ट वर्कशीट में ए प्लस बी था, तो हम यहाँ पे माइनस बी की प्रॉपर्टी यहाँ लिख देते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। कई बार हम इसको एक्स माइनस वाई की तरीके से भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले से ही a माइनस बी की प्रॉपर्टी में है, तो हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारा, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x, x वन और यहाँ पर आ जाएगा वन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे माइनस वन डाल देते हैं, तो देखें यहाँ पे माइनस माइनस मैच कर गया ना, तो ये b क्या है, वन। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन टू एक्स प्लस वन। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 98 को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। मैं इसको 90 प्लस 8 भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें मैक्सिमम जीरोज़ बनाने चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो सके। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 100 माइनस टू होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इस केस में हमारा जो 100 हो गया वो a हो गया माइनस बी, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी लग सकती है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। a क्या है, 100, यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। 100 स्क्वायर, मैंने आपको बताया था 100 100 मतलब 4 प्लस 0, यहाँ पर आ गया माइनस 400 और प्लस आ गया 4। तो पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर है 10,000, 10,000 मतलब 9,000 समथिंग होगा। सो 9,000 और ये कितना हो गया, 600। 9,600 प्लस 4, तो इसका मतलब 9,604। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म इसी टाइप की है। यहाँ पर a हो गया 5 और b हो गया x, तो हम इसके अंदर भी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हो गई 5, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया x। सो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5 टू 10, 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, बट आइडियली हमें क्या चाहिए, डिग्री जिसकी हाईएस्ट होती है वो सबसे पहले लिख दें। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आइए चलते 97 का होल स्क्वायर देख लेते हैं, ये बिल्कुल इसी जैसा है। तो हम पहले इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, 100 माइनस 3 होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों करा मैंने, ताकि मैक्सिमम जीरोस बन सके। तो अब इसके अंदर ब्रैकेट्स बना के लिख देते हैं,
यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सब्सिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पे 100 3 3, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, माइनस 600 प्लस 9। तो अभी भी देखा था 10,000 माइनस 600 कितना हो गया, 9,400, और 9 ऐड कर देते हैं, 9,409। तो ये आपका आंसर हो गया। सो जो बाकी बचे हुए जो एग्जांपल्स हैं जो वर्कशीट में दे रखे हैं, वो मेक श्योर आप खुद अटेम्प्ट करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। एंड जिसने पहले से अटेम्प्ट कर रखे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके आंसर ठीक होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। आइए अब देख लेते हैं साइंस की वर्कशीट। ये जो साइंस की वर्कशीट है वो क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 12, 31st of July की। इस वर्कशीट के अंदर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। जब हम एक चीज को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो एक स्टेज आती है जब वो टूटना बंद हो जाता है, मतलब वो एकदम चूरे जैसा हो जाता है। उस स्टेज को हम जो है वो हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। पर अगर हम उसी चीज को केमिकली और फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट करें, तो वो जो स्टेज पहुंचती है जहां पे वो डिवाइड होना बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एटम्स। जब हम उसको केमिकली डिवाइड करने के बाद एक सबसे स्मॉलेस्ट स्टेज आती है, उसे कहते हैं हम एटम्स। एटम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बोलते हैं, वेयर एज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ये इसका बेसिक डिफरेंस भी हम समझ सकते हैं इसके बीच में। इसका मतलब फिजिकल फॉर्म का सबसे छोटा रूप मॉलिक्यूल कहलाता है, एंड केमिकली डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा रूप निकलता है उसे हम एटम बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ बिग आर एटम। सो एटम का साइज जो है वो हम नैनोमीटर में नापते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 9। इसका मतलब 10 की पावर माइनस 9 का मतलब हो गया 1/1 बिलियन। ये इसका मतलब क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम एक मीटर लें, 1 मीटर का अगर हम साइज लें, उसको हम 1 बिलियन पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, तो वो जो छोटा सा पार्ट बनेगा उसे कहते हैं 1 नैनोमीटर। तो एटम्स का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, वो होता है nm, नैनोमीटर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो उसका साइज क्या होता है, 9 पावर 10 पावर 9 मीटर, दैट मीन्स 1 नैनोमीटर। हाइड्रोजन का जो साइज होता है एटम का, वो वाटर से भी छोटा होता है, मतलब 10 की पावर माइनस 10, मतलब और छोटा हो गया। एटम्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। अगर दो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दो ऑक्सीजन के अगर हम एटम्स को मिलाएं तो वो एक स्टेबल ऑक्सीजन बनेगा, O2। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जरा उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अभी आपको डिस्प्ले पे भी लगा देंगे, ताकि आप इनको आराम से रीड कर लें और समझ लें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। आइए चलते हैं, पढ़ भी लेते हैं। वाटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स गिव विद एग्जांपल, हम समझा चुके हैं पहले ही। ओ जो हो गया वो एटम हो गया, और O2 क्या हो गया वो मॉलिक्यूल हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल जो हो गया वो दो और दो से ज्यादा एटम से बन के बनता है। सो आगे चलते हैं फिल द ब्लैंक्स के बारे में। द साइज ऑफ द एटम्स आर मेजर्ड इन नैनोमीटर। सेकंड पार्ट, नैनोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर, यहाँ पर हमने पढ़ा था। वाटर मॉलिक्यूल का साइज 10 की पावर माइनस 9 मीटर, और 10 की पावर माइनस 9 ही नैनोमीटर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 नैनोमीटर। हाइड्रोजन एटम का जो साइज हो गया वो 0.1 नैनोमीटर हो गया। वो कैसे हो गया अभी हम देखते हैं। नेम एनी थ्री एटम्स। सो
सम ऑफ द एटम्स आर नियोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारे के सारे जो हो गए वो एटम्स हो गए. आपको और भी कोई एग्जांपल पता हो तो आप वो लिख सकते हैं. आइए चलते हैं, इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं लिखे हुए. सो एटम की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, हमने पहले भी समझ ली थी. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल हैव द एलिमेंट्स प्रॉपर्टी. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, नियॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सेम एग्जाम्पल यहाँ पे आंसर नंबर 3 में भी है, बिकॉज एटम के एग्जाम्पल मांगे थे उन्होंने, हमने सेम दे दिए. मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमने लिख दिए हैं, नैनोमीटर इक्वल्स टू 10^-9 मीटर. ये आंसर समझने की जरूरत है, बस इसी के लिए मैं आपको फिर दोबारा ये शीट दिखा रहा हूँ. हाइड्रोजन का जो एटम का जो साइज है 0.1 कैसे हुआ, तो ये जरा समझ लेते हैं. सो अगर आप इस पे ध्यान दें, 10 की हाइड्रोजन का जो एटम का जो साइज है वो 10^-10 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10^-9 इनटू 10^-1. ये मैथमेटिकल वे हमने लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने यूज करा है. 10^-9 क्या है, 1 नैनोमीटर, और -1 हो गया तो अपॉन 10, तो हम 0/1/10 करेंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे 0.1 नैनोमीटर लिखना. अगर यहाँ पे मीटर लिखा होता, जैसे यहाँ पर हमने मीटर लिखा है, तो यहाँ पर 10^-9 लिखा है, तो हम यहाँ पर 10^-10 लिख सकते थे अगर यहाँ पे मीटर लिखा होता. बट यहाँ पर उसने मीटर में आंसर नहीं मांगा, उसने नैनोमीटर में आंसर मांगा है. नैनोमीटर में इसका आंसर होगा 0.1. आज के लिए साइंस की वर्कशीट में इतना ही. नेक्स्ट वर्कशीट पर चलते हैं हिंदी की. इन द मीन टाइम अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम कार्यपत्रक 12 हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं. तो आज की ये वर्कशीट है उपसर्ग के ऊपर. तो हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में एक्चुअली हम बड़े कई कई तरीकों से नए शब्द बनाते हैं. तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि उपसर्ग का प्रयोग करना, प्रत्यय का प्रयोग करना, संधि करना, समास करना. तो इस तरह के कई स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम जाने अनजाने में नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जाने अनजाने में हम नए शब्द बनाते हैं. तो आज हम देखेंगे कि उपसर्ग की जो स्ट्रैटेजी है उससे कैसे नए शब्द बनते हैं. तो उपसर्ग होते क्या हैं? तो सबसे पहले उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बनता है, उप और सर्ग. उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, बनाना या निर्माण करना. तो जिससे इसका अर्थ बनता है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना. तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसको किसी शब्द के पास में लगाया जाता है, और जैसे ही किसी और शब्द के, किसी मूल शब्द के पास में इसे लगाया जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है. तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पहले से ही एक शब्द है हार, गले में पहनने वाला हार, उसके आगे अगर प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द बन जाता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना. तो इससे पता चलता है कि उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ बदल देते हैं. तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि उपसर्ग इंसान की मूछों की तरह है, तो अगर ये आगे लग जाएं तो ये पूरे शब्द का चेहरा ही बदल देते हैं. वहीं पर इन्हीं का एक कॉम्प्लीमेंट्री आप कह सकते हैं होते हैं प्रत्यय. प्रत्यय किसी एनिमल की पूंछ की तरह है, तो ये पीछे लगते हैं. तो आई थिंक आप ऐसे बहुत अच्छे से इसे याद रख पाएंगे कि उपसर्ग मूंछ की तरह आगे सामने लगते हैं और प्रत्यय पूंछ की तरह पीछे लगते हैं, और इनके लगने से शब्द में बदलाव आ जाता है और एक नया शब्द बन जाता है. तो उपसर्गों के अपने अर्थ होते हैं, फिर भी इनका अलग से प्रयोग नहीं होता. तो इनके साथ मिलने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें मूल शब्द कहते हैं या रूट वर्ड्स कहते हैं. इंग्लिश में भी आप ये सेम चीज, सेम वर्ड फॉर्मेशन स्ट्रेटजी देख सकते हैं. इंग्लिश में उपसर्ग को प्रीफिक्सेस कहा जाता है क्योंकि वे आगे लगते हैं, प्री, वो आगे प्री पोजिशन पर फिक्स होते हैं, और प्रत्यय को सफिक्स कहा जाता है, तो वो पीछे लगते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं. वह शब्द अथवा शब्दांश या वर्ण
जो अन्य शब्दों के आगे जुड़कर नए अर्थ उत्पन्न कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो यह उपसर्ग की परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर समराइज कर दिया गया है अभी तक आपको जो बताया है। तो उपसर्ग कोई शब्द या शब्दांश और अव्यय है जो सदा अन्य शब्द के आगे जुड़ता है। तो ये या तो एक शब्द है, खुद में ही एक शब्द है, या एक शब्द का अंश है, एक छोटा सा शब्द का पार्ट है जो किसी मूल वर्ड, कोई मूल शब्द के रूट वर्ड के आगे जुड़ता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, तो ये अलग से इसका यूज नहीं होता है। यह जिस शब्द के आगे जोड़ा जाता है उसमें विशेषता या नयापन लाता है। तो जिस मूल शब्द के आगे इसे जोड़ा जाता है, जिस रूट वर्ड के आगे इसे जोड़ा जाता है, तो उसमें कुछ स्पेशलिटी, कुछ नयापन, कुछ विशेषता आ जाता है, या पूरा ही शब्द का मतलब बदल जाता है। इससे अनेक प्रकार के शब्द एवं रूप बनते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको उपसर्ग के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कितने तरह के उपसर्ग होते हैं पहले तो आपको यह बताया गया है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में आते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत भाषा से लिए गए कुछ शब्द या शब्दांश हैं जिनसे नए शब्द बनते हैं। तो ये 22 होते हैं, जैसे कि आ, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, उत, उद, उम्र, उप, दुस, दुर, नी, निम्र, इस तरह से ये 22 होते हैं। ये यहाँ पर आपकी वर्कशीट में लिखे हुए हैं। फिर हिंदी के उपसर्ग होते हैं, ये 10 होते हैं। अ, अन, अद, औ, अव, उन, क, कु, टू, दू, नी, भर, स, सु, बिन। तो ये हिंदी के 10 उपसर्ग हैं। फिर उर्दू के भी उपसर्ग हैं, ये 12 हैं, जैसे कम, खुश, गैर, दर, और ये आगे जो यहाँ लिखे हैं। अब अंग्रेजी भाषा से भी कुछ उपसर्ग लिए गए हैं, जैसे कि सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड आदि। तो जैसे हेड मास्टर हो गया, तो मास्टर के आगे अगर आप हेड लगा देते हैं तो हेड मास्टर हो जाता है। वही डिप्टी हो गया, जैसे डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर शब्द के आगे आप डिप्टी लगाते हैं तो डिप्टी कमिश्नर बन जाता है। तो इस तरह से अंग्रेजी के भी से भी उपसर्ग लिए गए हैं। उसी तरह से उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो यहाँ से भी उपसर्ग लिए गए हैं। तो संज्ञा बदल कर उपसर्ग की तरह प्रयोग हो सकती है, सर्वनाम बदल कर उपसर्ग की तरह प्रयोग हो सकते हैं, विशेषण बदल कर उपसर्ग की तरह प्रयोग हो सकते हैं। वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे अध, अंत, अ, चिर, पुनर, बहिर, और ये बाकी जो यहाँ पर और लिखे हुए हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उपसर्ग जैसे अन, इसका अर्थ होता है निषेध अर्थ में। तो ये जिसके आगे लग जाता है उसका मतलब हो जाता है कि इस उसकी कमी में अगर यह नहीं है तो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए अनमोल, जिसका कोई मोल ही ना हो, अनजान, जो जानता नहीं हो, अनकहा, जो कहा नहीं हो, अनदेखा, जिसे देखा ना गया हो। उसी तरह एक उपसर्ग है अति, तो इसका मतलब होता है अधिक या ऊपर। तो ये किसी चीज की अधिकता दर्शाने के लिए या ऊपर दर्शाने के लिए ये प्रयोग में आता है, जैसे कि अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, बहुत ज्यादा। जैसे फिर एक उपसर्ग है सब, इसका मतलब है अधीन, किसी के नीचे, तो इसमें सब जज। तो ये जो उपसर्ग है सब, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे जैसे सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। तो ये आपको उपसर्ग के उदाहरण दिए गए हैं। अब चलते हैं कि आपको अभ्यास के लिए यहाँ प्रश्न कौन से दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है आपको। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे उपहार। अब इस शब्द उपहार में से आपको उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो अगर उपसर्ग आपको अलग करना है तो आपको क्या लगता है कि उपसर्ग यहाँ कहाँ लिखा जाएगा, पहले ब्लैंक में लिखा जाएगा या दूसरे ब्लैंक में लिखा जाएगा? तो अगर आप दोबारा से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि उपसर्ग मूछों की तरह है, वो हमेशा आगे लगते हैं। तो इन शब्दों में से जब भी आप उपसर्ग अलग करेंगे तो वो सबसे पहले यहाँ आगे लिखे जाएंगे, फिर जो मूल शब्द है वो यहाँ लिखे जाएंगे। तो हम आपको सैंपल दिखा देते हैं कि इनके क्या
उत्तर हो सकते हैं, तो आप ये उत्तर लिख लीजिएगा। आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसके बाद इसको चेक कर लीजिए कि क्या आपने जो उत्तर लिखे हैं वह ठीक हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ से पढ़ देते हैं। उपहार बन जाएगा उप प्लस हार, बदनाम बन जाएगा बद प्लस नाम, आजन्म बन जाएगा आ प्लस जन्म, अधोगति, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, अधोगति बनेगा अध प्लस गति, फिर है पराधीन, इसमें आएगा पर प्लस अधीन, किसी और के अधीन होना, बाकायदा बा प्लस कायदा, प्रत्यक्ष, अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, आंखों के सामने, प्रति प्लस अक्ष, फिर निडर, नी प्लस डर। अब आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर उपसर्ग दिए हुए हैं आपको अति, आ, पर और हम, इनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। आप इसमें खुद भी अपने शब्द बना सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर हमने भी इस वीडियो में आपको बता दिया है कि आप कौन से शब्द यहाँ पर बना सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर ये शब्द है, अति से बन सकता है अतिरिक्त या अत्यधिक, जिसका मतलब है अति प्लस अधिक, आ से बन सकता है आसक्त या आचरण, पर से बन सकता है परदेशी या परोपकार, परोपकार, हम से बन सकता है हम सफर, हम उम्र, इसके अलावा आप अपने भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको मूल शब्द दिए हुए हैं, पुत्र, हाजिर, ज्ञानी, हार, गत, सूरत, पेट, ये गत शब्द जो है ये रिपीटेड है तो हम यहाँ एक ही बार लिखेंगे। तो इन शब्दों में आपको उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो अगेन हमने सैंपल के तौर पर आपको बताया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे सुपुत्र, गैर हाजिर, अज्ञानी, प्रहार, अवगत, खूबसूरत, भरपेट। इसके अलावा अगर आपको कोई शब्द सूझता है तो आप वो शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करेंगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।